देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर 6 दिनों से चल रहे महंत परमहंस दास का आमरण अनशन को सीएम योगी आदित्यनाथ तोड़ेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन उन्हें लखनऊ ले जाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास 1 अक्टूबर से आमरण अनशन की शुरुआत की थी, जिसके बाद देश के तमाम राजनीतिक दल, हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन के साथ अन्य वर्गों के लोग भी लगातार समर्थन में पहुंच रहे थे। वहीं अनशन पर बैठे संत का स्वास्थ्य में भी लगातार गिरावट को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन स्वयं इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और लगातार आ रहे समर्थकों को लेकर किसी अप्रिय घटना की ना जानकारी होने पर इसके लिए जिला स्तर पर लगातार संत, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी समझाने में लगे रहे। देर रात तक अयोध्या के प्रमुख संतों के साथ नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के द्वारा बातचीत करने पर पता चला कि लेकिन कोई ठोस पहल न होने के कारण इस वार्ता का कोई मतलब नहीं निकला। वहीं देर रात जिला प्रशासन ने भी महंत परमहंस दास से मिलने की कोशिश की, जिसके बाद महंत परमहंस दास सीएम योगी आदित्यनाथ से ही अनशन तोड़े जाने की बात कहे, जिसके लिए वो लखनऊ जाने को भी तैयार हो चुके हैं। माना जा रहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा महंत योगी आदित्यनाथ के पास ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। महंत परमहंस दास ने बताया कि लगातार शासन प्रशासन से दबाव बनाया जा रहा है, जिसके कारण हमें अपना अनशन तोड़ने की बात कही जा रही है। समाज के बदलते रूप को देखते हुए योगी आदित्यनाथ की पहल पर हम अपना अनशन तोड़ने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्वयं ही हमारा अनशन तोड़वाना होगा। कमलनाथ दास जी तो कुछ कहे नहीं हमसे, माननीय श्री वेद प्रकाश जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने कहा हम आपको चीफ मिनिस्टर माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से फोन से बात करा देते हैं और आप अनशन खत्म करें। हमने कहा ये बताओ, क्या वो लखनऊ से यहाँ आ नहीं सकते हैं? क्या वो केवल फ़ोन से बात कर दें और मैं जो मेरा दम घुट रहा, 6 दिन से मैं अनशन कर रहा हूँ, मेरे समर्थन में इतना बड़ा जन आंदोलन है, हर लोग अपने मजहब से ऊपर हट के मेरे समर्थन में हैं, और एक चीफ मिनिस्टर वहाँ से यहाँ आधा घंटा का समय नहीं दे सकते, वो आ नहीं सकते, मेरा प्राण चला जा रहा है और उनके फ़ोन से मैं कैसे अनशन तोड़ दूँ? जिसकी इतनी निष्ठा नहीं है राम मंदिर के नाम पर, जिसकी इतनी ज़्यादा घृणा है कि राम मंदिर पर यदि कोई प्राण दे रहा है राम मंदिर के नाम पर, तो उसके पास अगर चीफ मिनिस्टर आना तक नहीं चाहते। प्रधानमंत्री को तो घृणा हो गई है, वो तो शपथ खा लिए हैं कि हमको रामलला का दर्शन नहीं करना है, हमको अयोध्या नहीं जाना है, रामलला के नाम पर केवल वोट की राजनीति करनी है। और जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो संत हैं, वो भी यहाँ नहीं आना चाहते हैं। क्यों नहीं आना चाहते? वैसे होता तो आ जाते, लेकिन राम मंदिर के नाम पर चूंकि ये मैं कर रहा हूँ, तो राम मंदिर से उनको इतनी घृणा, इतनी नफरत है, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर भी यहाँ नहीं आना चाहते, केवल फोन से वो कह देना चाहते हैं कि आप अनशन तोड़ दीजिए। और इसके साथ ही पीएम मोदी से मिलने का भी समय निश्चित किया जाना होगा, जिससे कि हम अपनी मांगों को उन तक पहुंचा सके। इसलिए जिला प्रशासन हम पर लगातार दबाव बनाता आ रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ के पास जाकर ही अनशन टूटेगा। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।